हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट। अच्छा, उससे पहले हमने क्या किया था कि हमने आपको अगर याद हो तो उससे पहले हमने जो है ना जो हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, ब्रेक स्टेटमेंट के बाद जो है ना कंटिन्यू स्टेटमेंट आती है। तो आज मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने एक ड्राई रन किया पेज के ऊपर एंड देन उसी के साथ मैंने एक फ्लो चार्ट भी बनाया है जो कि अब भी मैं आपको समझाने लगा हूँ। एंड आफ्टर दैट सबसे पहले हम फ्लो चार्ट को समझेंगे, उसके बाद नीचे जो है ड्राई रन कोड मैंने यहाँ पे एक रफ वर्क के ऊपर यहाँ पे बना कर दिखाया है एंड देन हम लोग फिर डी एफ सी हम सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे और वहाँ पर जो है ना समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हमारे पास जो है आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो ए जो है ना ये हमारे पास है लूप बॉडी। ठीक है, ये हमारे पास लूप बॉडी है। ठीक है, ये कंप्लीट आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारे पास मतलब जो भी हमारे पास लूप आएगा, लेट सपोज यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या क्या हुआ है, लूप लगाया हुआ है, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, एंड देन ये क्या करेगा, ये आएगा यहाँ पे कंडीशन के अंदर और कंडीशन में जो है ना ये क्या करेगा, चेक करेगा। ठीक हो गया, जैसा कि यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने लूप लगाया है। अच्छा, उससे पहले आपको पता है कि जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाइब्रेरी को भी इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की हुई है। उसके बाद हमने क्या क्या हुआ है कि हमने यहाँ पे इंटीजर मेन एंड देन उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मैंने आई को इनिशियलाइज किया हुआ है। ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, एंड देन जो है आपको मैं क्या बता दूँ कि ये यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, लूप लगाया। ठीक है, तो लूप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप आ सकते हैं कि जब भी हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास लूप बॉडी आती है। ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन भी किया हुआ है मैंने। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है, एक कंडीशन दी हुई है और मैंने कहा हुआ है के, अच्छा पहले मैं आपको लूप समझा दूं। मैंने कहा कि आई बराबर है 1 के और आई लेस देन या बराबर है 10 और आई को फिर प्लस प्लस कर दो, मतलब कि ये 1 से स्टार्ट होगी और जाके 10 पे रुक जाएगी जो हमारे पास काउंटिंग होगी। उसके बाद क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन के अंदर यहाँ पे वो क्या करेगा, देखेगा यहाँ पे जो इफ की कंडीशन है यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि आई जब बराबर आए 4 के तो वहां पे क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज जैसी 1 से स्टार्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, जैसी 4 आएगा तो ये 4 को कंटिन्यू कर देगा, स्किप कर देगा, आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, और 5 की तरफ चली जाएगी और 5 6 7 8 9 10 हो जाएगी, मतलब कि इस 4 को जो है ना ये क्या कर देगा, स्किप कर देगा, उससे आगे कंटिन्यू की तरफ चली जाएगी। ठीक है, और वही नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी एंड देन यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, ये लूप चलता जाएगा। इस 4 की जगह आप लोग 5 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने कंटिन्यू यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे कंटिन्यू नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 होगी, तो ये अगेन कंटिन्यू हो जाएगी और फिर लूप बॉडी के अंदर जाएगी। जैसे कि हम लोग मतलब 1 आएगा तो उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, ये कंटिन्यू स्टेटमेंट के अंदर ये बॉडी के अंदर बार बार जाती जाएगी और यहाँ कंडीशन वो उसे चेक करता जाएगा कि हाँ ये इसके मुताबिक सही है, अगर सही है ट्रू तो कंटिन्यू अगेन, अगर फॉल्स होगी तो यहाँ पे जो है ना ये लूप से क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी एंड देन आपका प्रोग्राम जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि प्रोग्राम से आपका जो आउटपुट होगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 1 2, ठीक है, एंड 3 4 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 को जो है ना कंडीशन के अंदर दिया हुआ है कि 4 को आपने क्या कर देना है, कंटिन्यू कर देना है एंड देन 5 6 7 8 9 10, मतलब कि इस 4 को छोड़ के 1 से लेकर 4 को छोड़ के 10 तक हमारे पास इसका ये आउटपुट आएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे जो है ना देखते हैं बाकायदा तौर पे इसको जो है ना सॉल्व करते हैं सोर्स कोड के अंदर। अब हमारे पास जो है ना डीएफसी को मैंने ओपन कर लिया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छी तरीके से रन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लाइब्रेरी आ चुकी है, मैंने कहा एंट मैन। ठीक है, अच्छा मैंने का फंक्शन लगाया और उसके बाद मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर लिया। मैंने पहले क्या किया था, इनिशियलाइज आई को कर लिया था। ठीक है, अच्छा
अब मैं क्या करूंगा, फोर मतलब लूप की बॉडी लगाऊंगा, फोर लूप मैंने कहा आई बराबर है वन के, और आई जो है वो लेस देन या बराबर है टेन, एंड देन आई को जो है ना वो क्या कर दो, आई को प्लस प्लस कर दो, ठीक हो गया। अच्छा अब हमारे पास ये लूप आ गया, एंड देन हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे लूप की बॉडी को। अच्छा अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन देना है, मैंने कहा इफ आई जो है ना अगर बराबर आए किसके, फोर के, यहाँ पे आप कोई भी नंबर दे सकते हैं टेन तक, ठीक है ना, तो वो उसे क्या कर देगा, स्किप कर देगा, ठीक हो गया। अच्छा ये मेरे पास आ गए, क्या आ गए मेरे पास, कंडीशन आ गई, ठीक है। तो मैंने अब क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख देना है, आपको मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे क्या आएगा, कंटिन्यू आएगा, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू आ गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो मेरे पास जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ पे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं प्रिंट एफ परसेंट डी एंड मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे कोमा लगा के आई जो मेरे पास, मैंने जो आई इनिशियलाइज किया हुआ है, एंड देन यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास रिटर्न में क्या आए, जीरो आए, क्या आए, जीरो आए, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा ये प्रोग्राम हमारा बन गया है, जो जिस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे जो है ना सेमी कॉलन नहीं लगा, देखो कंप्यूटर जो है ये आपको सॉफ्टवेयर जो है ना ये सब आपको बताएगा, जहां पर आप मिस्टेक करेंगे या जो चीज आप भूल गए हो वो आपको बताएगा कि आपने ये चीज यहाँ पे आप भूल चुके हैं। अब स्टूडेंट्स आपको ये नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से नजर आए। मैंने क्या कहा था कि वन टू थ्री आएगा, उसके बाद फोर को स्किप कर देगा, एंड देन फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन आ रही है सर। जिस तरीके से मैंने ड्राई रन भी करके दिखाया, वहां पर भी मैंने यही बात की आपसे कि ये जो भी हम लोग कंडीशन के अंदर जो नंबर फिक्स करेंगे वहां उसको स्किप करके आगे कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। या सपोज मैं दूसरे नंबर्स को भी यहां पे जो है ना वो कर देता हूं, फिक्स कर देता हूं, मैंने कहा सेवन, अब सेवन नहीं आएगा, बाकी सब नंबर आएंगे, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं, मैं आपको जो है थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, देखो सेवन है यहाँ पे, नहीं है एट है, नाइन है और टेन है, क्लियर होगी। अच्छा इसके अंदर हमारे पास उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ी थी। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि यहाँ पे जो है ना क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो फिर क्या होगा, अब इस यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना सेवन तक चलेगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो मेरा सेवन है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है उसके आगे क्या कर दो, ब्रेक कर दो, मतलब नाइन एट नाइन टेन को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, वो हमारे पास जो है ना वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, उसको ब्रेक कर दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको रन एंड कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आता है। देखो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एंड जो सेवन मैंने फिक्स किया था, सेवन और सेवन से जितने भी नीचे डिजिट्स है उसको क्या कर दिया, उसने ब्रेक कर दिया, क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स। तो ये आज का था हमारा प्रोग्राम विद फ्लो चार्ट एंड ड्राई रन। इसमें भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजिंग कोई सवाल है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं, जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, हम लोग इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द इसी कोर्स को कंप्लीट करने लगे हैं, ठीक है।